क्लास में हम लोग देखते हैं कि कहां तक हम लोग का क्लास हुआ था पिछले क्लास में। तो आज हम फिर से यहां से हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड यहां पे जाएंगे टास्क बार में, और उसके बाद यहां से हमने क्लिक कर दिया और यहां से हम इसको मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन, तो ये बड़े हो जाएंगे। हमने यहां पे क्लिक कर दिए। अब जानते थे पिछले में हमने आपको होम टैब पढ़ाए थे, इंसर्ट टैब पढ़ाए थे, और फिर उसके बाद आपको पेज लेआउट हमने पढ़ाए थे, फिर उसके बाद आपको हम पढ़ाए थे रेफरेंस, और फिर इसी तरह करके आपको मेनिंग हमने पढ़ाए थे। एक एक टूल्स करके हमने यहाँ तक आपको बता दिया। अब हम उसके बाद आज की क्लास में जो भी क्लास होंगी वो आपको रिव्यू टैब के बारे में आपको पढ़ाए जाएंगे। तो इसमें आप लोगों को ध्यान देनी है क्योंकि आज थोड़ी सी एडवांस क्लासेज है, आपने जितने पढ़े उससे आज थोड़ी सी एडवांस क्लासेज है, और आपको क्या होंगे उस एडवांस क्लास को अच्छी से आपको पढ़नी है, और जो भी नहीं समझ में आएंगे फिर आप मेरे नंबर से आप कॉल बैक कीजिए, या फिर आप हमारे YouTube चैनल पे आप कमेंट कीजिए कौन सी मेनू आपको नहीं समझ में आया, और फिर आपको बताए जाएंगे। तो चलिए हम लोग और टाइम को ना पास करते हुए हम लोग अपनी विषय पे बात करते हैं और क्लास अपने समय पे हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले चीजें हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतना सारी मेहनत करके आपके लिए हमने बनाते हैं और आप थोड़ा सा नहीं कीजिए तो फिर कैसे हम बना पाएंगे। तो ये चीज आप करना ना भूले और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। चलिए यहाँ से हमने यहाँ से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और पिछले वीडियोज में हमने आपको जो होम टैब के जब इंट्रोडक्शन हमने पढ़ाए थे, और उसके बाद एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन, होम टैब के इंट्रोडक्शन, तो उसमें आपको इस ग्रामर स्पेलिंग के हमने जिक्र की थी, और आज भी थोड़ी सी हिंस हम देते हैं। अगर आपको नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो आप जाकर आप वहां से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आने लगे अच्छी से। तो चलिए थोड़ा बहुत हमने यहाँ से हिंस आपको देते हैं, और सबसे पहली चीज है हमने यहाँ से इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज हमने यहाँ से क्या करते हैं थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। तो मैंने यहाँ से फॉन्ट साइज क्या किया, हमने यहाँ से इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। अब हम चलते हैं इसमें कुछ नामे लिख देते हैं, जैसे ए डबल पी एल ओ। देखिए हमने लिखा एप्पल, क्या लिखा बाबू एप्पल, लेकिन इसके अंतर्गत क्या लग गए आपको, इसके अंतर्गत आपको लग गए यहाँ से आप देख लीजिए रेड थोड़ी सी लगी हुई है। आप इसको स्टॉप या अंडो करने चाहती है तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। और इस पे आप क्लिक कीजिए, ग्रामर स्पेलिंग पे क्लिक कीजिए, या आप देखिए ग्रामर स्पेलिंग पे आप क्लिक करेंगे तो इस ग्रामर का मतलब होता है कि इसमें आप जो गलती किए हुए यहाँ पे हमने एमएस वर्ड पढ़ा रहे, इस मीनिंग का स्पेलिंग एंड ग्रामर इंग्लिश के हमने बात कर रहे हैं, इस मीनू का यहाँ पे मतलब होता है कि जो मीनिंग आप वर्किंग पेज पे लिखे, क्या लिखे बाबू, आप जो भी मीनिंग लिख रहे हैं वर्किंग पेज पे, तो वो वर्किंग पेज पे जो मीनिंग लिखा हुआ है वो मीनिंग आपका गलत है, तब भी यहाँ से आपकी क्या हुई रेड हुआ। और यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर पे हमने इसको क्लिक करते हैं सिलेक्ट करके, तो वहां पे जो रेड लगे रहते हैं उसे सुधारने के लिए यहाँ पे हमको देते हैं टाइम। तो उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे बाबू, यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग आपको शुद्धिकरण करके यहाँ पे 2, 4, 5 आपको मीनिंग यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे एप्पल हुआ उसी तरह यहाँ पे अप्लाई हुआ, उसी तरह यहाँ पे अपोलो हुआ, तो इस तरह से बहुत सारे मीनिंग रहते हैं। आप किस मीनिंग को लिखना चाह रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करती है, तो जो आप इसमें से सही मीनिंग अगर चूज कर लेते हैं, ये इसलिए देखा जाता है कि हो सकता है मुझे ग्रामेटिकली थ्रू से मेरी मीनिंग गलती हो या कहीं से मिस्टेक किए होंगे, उस समय यहाँ से हम इसको हेल्प ले सकते हैं, या आप सही सही आप इस चीज को लिखे हैं फिर भी रेड आए हैं, तो इसलिए रेड आते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर का वो अपने थिंकिंग से वो सही एक्सेप्ट
नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने तरफ से आप उसको सही एक्सेप्ट कराने के लिए जैसे किसी के नाम लिखेंगे तो उसके अंतर्गत भी लाइनिंग आपको लग जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे इग्नोर वन दिया हुआ है, वंस तो एक नाम रहेंगे तो एक पे क्लिक के तो आई इग्नोर ऑल, तो जितने भी सारे आप टाइप किए रहेंगे वो सारे चीज आपको इग्नोर ऑल हो जाएंगे। तो जो भी आप लिखे हैं वही सही होंगे और बाकी क्या होंगे, बाकी जो रहेंगे वो आपको जितना सेलेक्ट करेंगे बाकी जैसा रहेगा वैसा छोड़ देगा। या आप यहाँ से आप मीनिंग को सही करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम एक यहाँ से करके दिखाते हैं और फिर आपको आगे की प्रक्रिया आपको दिखाएंगे। तो मैंने एप्पल यहाँ आ गया, APPLE, एप्पल मतलब सेव। अब चलते हैं इसको, यहाँ से हमने क्या करते हैं इसको इग्नोर करते हैं ताकि ये वाली मीनिंग जो है मेरा क्या रहे, ये वाला मीनिंग मेरा सही रहे। तो यहाँ से आप इग्नोर ऑल कर दीजिए तो जैसा है वैसा रह जाएगा, और यहाँ से चेंज ऑल कर दीजिए तो चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने चेंज ऑल किया तो यहाँ पे सही मीनिंग आया या नहीं आया बाबू, आप लोग गौर से देखेंगे तो जरूर मीनिंग आएंगे, अन्यथा नहीं देखेंगे तो फिर आपको नहीं आएंगे। तो मीनिंग या जो भी हमने मीनू कर रहे हैं उसे आपको गौर से देखनी है, अगर गौर से नहीं देखिएगा तो फिर गलत हो जाएगी। चलिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, फिर हमने लिखा और इसी चीज को आप यहाँ पे भी चाहे तो राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे इग्नोर इग्नोर ऑल दे रहे हैं, यहाँ पे एप्पल दे रहे हैं। तो एप्पल करनी है तो एप्पल कर सकते हैं। तो दो ट्रिक हमने बताया ना इसको शुद्धिकरण करने के लिए। अब चलती है यहाँ पे, मैंने एक ब्रॉड इस चीज पे हमने इस मेनू की तो चेंज जिस पे हमको सेलेक्ट करनी है उसे करके मुझे चेंज करनी है तो मैं यहाँ से चेंज कर लूंगा। अगर मुझे यही मेरी सही है मीनिंग सही है फिर भी मुझे रेड आ रही है तो उसके लिए मुझे क्या करनी होगी, यहाँ से मुझे ऑल इग्नोर कर देना होगा तो मेरा जैसा रहेगा वैसा रहेगा और मेरे वाली रेड जो लाइनिंग है वो खत्म हो जाएंगी जैसे मैंने देखा। और यहाँ पे हमने अपने नामों को यहाँ पे लिखते हैं, ये ग्रामेटिकली थ्रू से क्या हुए मेरे नाम गलत हो चुके, तो इसको शुद्धिकरण के लिए संतोष कंप्यूटर के लैंग्वेज से जो ये थिंकिंग है जो इसका फंड है उसके लैंग्वेज से संतोष ऐसे लिखाएगा, नहीं मेरा संतोष ऐसे सही है तो मैं इसे इग्नोर कर दूंगा। तो ऐसे ऐसे करके आपको एक एक टूल्स को वहां पे पढ़ाया गया है जो पिछले वीडियोज है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखे और तब आपको समझ में आएंगे। चलिए उसी तरह आपको रिसर्च है उसी तरह रिसर्च में आप जाइए और किसी का यहाँ पे सर्च करनी है बुक करनी है जो भी करनी है आपको इसके बारे में यहाँ पे आपको दिखा देंगे अगर इसमें आपको लेट रहेंगे तो। उसी तरह राइट है, अगर हमें बुक की तरह देखनी है बुक वाली सारी चीजें सेंटेंसेस को देखनी है मीनिंग को तो फिर आप बुक वाले भी आप देख सकते हैं। उसी तरह ट्रांसलेट है, अगर ट्रांसलेट करनी है हिंदी टू इंग्लिश करनी है तो आप यहाँ पे ले लीजिए इंग्लिश और यहाँ पे आप कर लीजिए हिंदी और फिर आप इसमें लिखिए जो भी आप लिखेंगे वो आपका क्या होंगे यहाँ से आपका लिखाता जाएगा हिंदी में। तो जो भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे फंड आप यहाँ से आप ट्रांसलेट आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए हमने ये भी आपको बताए थे पिछले वीडियोज में, अब चलते हैं ये भी आपको बताए गए हैं और फिर आपको ये सेट एज लैंग्वेज। तो ये जो सेट लैंग्वेज है इसे आप चाहे तो अगर डेट है तो आप इसे क्या कर सकते हैं सेट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो देखिए यहाँ पे आपको हिंदी चाहिए तो यहाँ पे इन्वर्टर जो दे रहा था ना वही यहाँ से हिंदी आया ना, आप यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अब देखिए इसके नीचे दिया हुआ प्रूफिंग ग्रुप के अंतर्गत आपको एक लास्ट वाले ऑप्शन आपको बच रहे हैं वर्ड काउंट। अब वर्ड काउंट के बारे में हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं और इसके बाद तो प्रूफिंग जो दिया हुआ है ये तो खत्म ही हो जाएंगे।
तो चलते हैं थोड़ी सी इस पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले है वर्ड काउंट। जितने भी आपको वर्किंग पेज पे लिखे रहेंगे उस सारे वर्ड को काउंट करेंगे। जैसे देखिए, मैंने यहाँ जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपको पेज नंबर वन। देखिए यहाँ पे पेज नंबर वन, सारे यहाँ पे डिटेल्स इन्होंने दिखा रहे हैं ना, पेज नंबर वन है। और वर्ड कितने लिखे? चार, 1 2 3 4। शब्द कितने? चार। वर्ड की हिंदी होती है शब्द। अब यहाँ पे हम चलते हैं कैरेक्टर्स नंबर स्पेस। आप स्पेस कितने, यानी कितने आप लेटर टाइप किए हैं? तो 1 2 3 4, 1 5, 5 5 10, 5 15। और इसके बाद कितना हुआ, ये आपको 5 5 10, 5 15। और 15 के बाद 15, 1 16, 1 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 है। तो यहाँ तो आपको 5 5, यहाँ पे 15 आ ही गया। 15 7, 15 7 आपको 1 2 3 4 5 6 7, 15 7 आपको 23 हुए। और इसमें इन्होंने 23 2 क्या इन्होंने काउंट किया, अभी हमने आपको बताते हैं कैसे इन्होंने यहाँ पे 25 काउंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये पैराग्राफ देख लीजिए कितने, चार, यानी चार बार इंटर मारे तो पैराग्राफ चार, लाइनिंग चार है। ये 25 वाले के मैंने यहाँ से काउंट करके आपको बताते हैं। इसमें आपको बाबू स्पेस नहीं डाला गया है, एक स्पेस यहाँ दे दिया, एक सेकेंड, एक स्पेस है ना, तो ये 23 हो गया। ये देखिए इसमें स्पेस नहीं है, 23, 23 एक 24 हुआ ना, इसमें भी नहीं है। इसमें देखिए 1 25, यही एक और मार दो तो 26। तो चलो यहाँ पे काउंट करो, 26 आ जाएंगे, आया ना, यही एक देखो यहाँ 26 आया ना। फिर उसी तरह एक और मारो, देखो यहाँ पे आया ना 27। तो जितने भी स्पेस मारेंगे या एक लेटर लिखो तो ये हो जाएंगे 28, हुआ ना। तो ऐसे करके आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस विथ स्पेस काउंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, ये सिर्फ लेटर की काउंट करेंगे, ये स्पेस और लेटर दोनों पे काम करेंगे, काउंट करेंगे। अब हम आज की क्लास में रिव्यू के अंतर्गत आपको कमेंट्स जो ग्रुप है उसके बारे में हमने डिस्कशन करते हैं कि होते क्या है, कमेंट्स ग्रुप है क्या। तो सबसे पहली चीज है, मुझे ये मैंने लिखा और इसके अंदर मुझे कमेंट्स लगानी है। कमेंट जैसे सुपर, हिट, वाह, गजब, मस्त, तो ये सारी चीजें हैं। आप उसकी बड़ापन करने, आप उसकी बड़ाई करना, तो ये एक तरह से क्या हुए, आपके कमेंट हुए। तो यहाँ पे जाएंगे और माउस का हमने क्या करेंगे, लेफ्ट बटन करेंगे। तो इस तरह से मेरे साथ एक लाइनिंग करके और एक बॉक्स खुलेंगे, तो इसमें आप लिख सकते हैं मस्त। उसी तरह नीचे मारिए, और सारी लिखनी है तो आप लिख सकते हैं इसी में, नहीं तो और सारी कमेंट लगानी है तो आप लगा सकते हैं। और इसमें भी लगानी है तो इसी तरह आप लगा सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे आप क्या कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। क्या लुक है, उसी तरह इसमें लगा सकते हैं, फाइन। तो ऐसे करके बहुत सारे आप लगा सकते हैं। अब इसी को डिलीट करनी है तो डिलीट कर सकते हैं, और फिर व्यू आपको करनी है तो आप यहाँ से फिर व्यू करके देख सकते हैं, एक करके जा रहा है ना। और फिर उसी तरह नेक्स्ट करनी है, यहाँ से फिर व्यू आ रहे हैं, यहाँ से नेक्स्ट जाएंगे आगे पीछे, और इसको मुझे इसमें आ गए, और इसे मुझे डिलीट करनी है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसी तरह ट्रैक को चेंज करना है तो आप ट्रैक को चेंज कर सकते हैं। तो ट्रैकिंग जो है, ये वाली लाइनिंग
फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज की वीडियो इतनी तक ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।